नमस्कार, आप देख रहे इंडिया टाइम्स, आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज जानो, कोच में काफी वर्षों से पड़ी सीमा विस्तार की फाइल आखिरकार कैबिनेट की मंजूरी के बाद नगर पालिका परिषद के सभागार में एक प्रेस वार्ता में अध्यक्षता डॉक्टर सरकार ने बताया कि नगर के चारों ओर का क्षेत्र बदलपुरा मौजा और कुल नगर पालिका की सीमा में आ जाएगा। सीमा विस्तार में नगर पालिका विकास होगा जिसका क्षेत्रफल 9 किलोमीटर का लगभग हो जाएगा। हालांकि अभी कोई ऐसा आदेश नगर पालिका के पास नहीं आया, फिर भी नगर पालिका के अध्यक्षता एवं आदिवासी अधिकारी अपनी पीठ थपथपा रही है। बता दें कि सीमा विस्तार के 1992 से तत्कालीन चेयरमैन लगातार प्रयास करती आ रही है। नक्शा फाइलें आज भी लखनऊ में एक पटल से दूसरे पटल तक भेज कर ज्यादातर रुच लगते रहे। पूर्व कार्यकाल में रही विनीता सिरोठिया के प्रतिनिधि विज्ञान विशारद सिरोठिया ने सीमा विस्तार के लिए आए दिन लखनऊ में ही डेरा डाले रहे। सीमा विस्तार के लिए उन्होंने जितनी मेहनत की है शायद ये किसी चेयरमैन ने नहीं की होगी। आपको का नाम है बाबूजी? और आप नगर पालिका में कर्मचारी थे, अब तो आप रिटायर्ड हो गए, तो सीमा विस्तार को जो चर्चा है तो जो कब से है और आपके टाइम में कब से कब का भाव जाम है? हम 1966 से यहाँ काम किया हमने और सन 1992 से हमने सीमा विस्तार का प्रस्ताव शासन को भेजा है और वो शासन में विचाराधीन रहा। कई बार प्रयास भी किए हम लोगों ने मगर अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब वर्तमान में ये खबर भ्रामक है तो सही है कि अब ये सीमा विस्तार हो गया है। तो इससे जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी नगर पालिका में, एजी अब तो आप रिटायर्ड हो चुके हैं, आप जनता की हैसियत से आपसे पूछा जा रहा है कि इसका लाभ नगर पालिका को भी होगा और जनता को भी होगा। बिल्कुल होगा, जनता को, जनता में जो है जो नगर क्षेत्र के मतलब सीमा के बाहर हैं वो भी इसमें आ जाएंगे और उसमें गलियां हैं, सड़कें हैं, पाइपलाइन वगैरह जी सब जो है उसका विस्तार होगा। ये जो नगर का सीमा विस्तार हुआ है नगर पालिका के द्वारा, आज के 2 वर्ष पहले नगर पालिका बोर्ड ने इसका प्रस्ताव भेजा था जिसके संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते कई बार लखनऊ गया, वहाँ पर जाके इसके बाद एक बार गजट भी कराया इसका अखबार में। और आज बड़ी खुशी की बात है कि वो नगर पालिका सीमा का विस्तार की परिणति हुई। ये नगर के सभी लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। ठीक है, सांसद जी और पालिका यो और पूरा बैट बोर्ड की से ही हुआ है। इन लोगों ने हम लोगों की अभी की मेहनत तो बहुत रही इसमें, तो लगभग जो क्षेत्र था जहाँ क्या है कि विकास नहीं हो पा रहा था, ना जो गांव में लग रहा था ना जो शहर को हम लोग कुछ नहीं करवा पा रहे थे वहाँ पे, तो अब ये कि चारों तरफ पूरे नगर के चारों तरफ की जो सीमा है अब बढ़ गई है, तो निश्चय ही रूप से नगर का चौमुखी विकास होगा। और अब ये यहाँ की आबादी भी लगभग 50,000 थी, अब 1,00,000 के लगभग पहुँच जाएगी, तो ये हमारी भीम रेड की नगर पालिका हो जाएगी। निश्चय ही शासन से बजट भी मिलेगा तो हम चारों तरफ विकास करवाने में सक्षम रहेंगे। ये प्रयास सभी का है यहाँ, पूरा धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने जनप्रतिनिधियों को, माननीय विधायक जी को, उनका अथक प्रयास रहा इसको प्राप्त करने में। विस्तार हो गया अभी फिलहाल समय लगेगा, लेकिन नगर पालिका परिवार में स्टाफ की बहुत ही दयनीय स्थिति है, कमी है। इस मामले में क्या शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है, क्या प्रयास रहेगा? शासन प्रशासन को हमारे पालिका की तरफ से कई बार लेटर जा चुका है, जो क्योंकि स्टाफ की तो वाकई कमी है, बहुत सारे कार्य जो है स्टाफ की वजह से नहीं हो पाते हैं और हम लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है स्टाफ की वजह से, क्योंकि एक कर्मचारी के ऊपर हम लोग एक एक लिपिक के ऊपर दो दो तीन तीन जो है उनको काम दिए हुए हैं, दो दो तीन सीट का काम दिए हुए हैं, तो निश्चय रूप से कई बार हम लोग यहाँ से लेटर भेज चुके हैं शासन को। तो जिस तरह सीमा विस्तार हुआ है उस तरह से आशा है कि आने वाले समय में हम लोगों का ये भी समस्या का समाधान जरूर होगा। इसलिए भी लेटर भेजा जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से,
जब भी मुलाकात करेंगे हमारे जनप्रतिनिधि या मंत्री, तो मैं आग्रह करूंगी कि हमारे यहाँ स्टाफ को भी भेजा जाए ताकि हमारे नगर का विकास हो सके।